बिग बाजार, सेंट्रल, एफबीबी, ब्रांड फैक्ट्री, इन सारी जगहों से कभी ना कभी तो आपने शॉपिंग जरूर की होगी। और दोस्तों ये आपके और मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए तो वरदान की तरह था, क्योंकि यहाँ पे जो भी सामान मिलता था वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में होता था और यहाँ पे हमेशा डिस्काउंट चलते रहते थे। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इतनी पॉपुलैरिटी होने के बाद भी अचानक से ये कहाँ गायब हो गए। इसके अलावा दोस्तों बिग बाजार का ये जो महासेल वाला जो पेज न्यूज़पेपर में आता था, बहुत टाइम से ये भी देखने को नहीं मिला, ये भी न्यूज़पेपर में क्यों नहीं आता? तो दोस्तों इसके पीछे एकमात्र कारण है फ्यूचर ग्रुप की लापरवाही और उनके ऊपर बढ़ता कर्ज। और दोस्तों इसी कर्ज के कारण अगस्त 2020 में फ्यूचर ग्रुप का सबसे बड़ा रिटेल मार्केट बिग बाजार और बाकी सारे ब्रांड्स रिलायंस ने सिर्फ और सिर्फ 24,713 करोड़ रुपए में एक्वायर कर लिए। और दोस्तों आज के टाइम में फ्यूचर ग्रुप दिवालियापन के गगार पे आके खड़ा है। अब दोस्तों ये सारी चीजें क्यों हुई, इसके पीछे का कारण क्या था, क्यों एक टाइम पे रिटेल मार्केट में अपनी धाक जमाने वाला फ्यूचर ग्रुप आज कंगाली की कगार पे खड़ा है, इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो में हम देखेंगे इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर किशोर बियानी के रिटेल किंग बनने का सफर और कैसे एक छोटी सी गलती से वो बर्बादी के कगार पर आ गए, इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नजर डालते हैं किशोर बियानी के बैकग्राउंड पे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, किशोर बियानी का जन्म 1961 में एक मारवाड़ी फैमिली में हुआ। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद में जब वो कॉलेज में आए तो कॉलेज के फाइनल ईयर में उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। उनका फैमिली बिजनेस सिल्क मिल का था, उनकी सिल्क मिल का नाम था बंसी सिल्क मिल। इसके अंदर वो सिल्क से बने हुए कपड़े बनाते थे और अलग अलग शहरों में बेचा करते थे। दोस्तों उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन तो कर लिया था लेकिन उसमें उनको कोई खासा इंटरेस्ट नहीं था, वो कुछ अलग करना चाह रहे थे। एक दिन दोस्तों वो अपने किसी फ्रेंड से मिले और उन्होंने देखा उनके फ्रेंड ने एक अलग ही कपड़े का ट्राउजर पहना हुआ था और वो ट्राउजर था स्टोन वॉश फैब्रिक का। दोस्तों कपड़े की क्वालिटी और स्पेशलिटी को कैसे पहचानना है, ये हुनर तो उनको अपने फैमिली से विरासत में मिला था। तो वो तुरंत पहचान गए कि ये जो कपड़ा है ये बहुत ही अच्छा है, अगर मैं इसको बल्क में मंगाकर यहां पे बेचता हूं तो मैं अच्छे खासे पैसे कमा सकता हूं। तो उन्होंने वही किया, उन्होंने उस कपड़े को बल्क में मंगाया और उसके बाद में आसपास के जो भी गारमेंट सेलर थे उनको बेच दिया और दोस्तों सिर्फ 6 महीने के अंदर उनको लाखों रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये उनकी जिंदगी का पहला प्रॉफिट था, इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और उनको लगा कि वो इंडिविजुअली बिजनेस कर सकते हैं और अपना बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों उन्होंने कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम रखा WBB, इसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लू एंड ब्राउन। इसके अंदर वो मेंस ट्राउजर बेचा करते थे और दोस्तों मैं आपको बता दूं ट्राउजर खुद नहीं बनाते थे, वो अलग अलग मिल से बनवाकर लेते थे और अपने ब्रांड के नाम से मार्केट में बेचा करते थे। दोस्तों उन दिनों क्या होता था, जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते थे वो अपने कपड़ों को एग्जीबिशन में रखते थे और वहां पे लोगों को दिखाते थे और उनके कपड़े बहुत ज्यादा बिकते थे। लेकिन किशोर बियानी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एग्जीबिशन के चार्जेस बेयर कर सकते थे। तो दोस्तों उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि अगर मैं एग्जीबिशन में नहीं जा सकता कोई बात नहीं, अगर मैं एग्जीबिशन के बाहर स्टॉल लगा दूं तो हो सकता है लोग मेरे पास आए और मेरे भी कपड़े बिके। तो दोस्तों ये आइडिया बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुआ, लोगों ने उनके कपड़े को बहुत ज्यादा पसंद किया। तो दोस्तों यहां से शुरू होती है किशोर बियानी की राइजिंग स्टोरी की। दोस्तों साल था 1987, किशोर बियानी ने WBB से एक और ब्रांड बनाया जिसका नाम रखा गया मेंसवेयर प्राइवेट लिमिटेड। ये गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, इससे भी उनको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं आगे चलकर इसी ब्रांड का नाम रख दिया गया पैंटलून्स। दोस्तों क्या आप जानते हैं पैंटलून्स का मतलब क्या होता है और पैंटलून्स नाम क्यों रखा गया? देखिए पैंटलून्स नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो कंपनी थी वो पतलून बनाती थी, तो पतलून से नाम आ गया पैंटलून्स। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था इनकी जो कंपनी थी वो मेंस ट्राउजर बेचा करती थी और दोस्तों बाद में पैंटलून्स में लेडीज और किड्स वेयर भी बेचे जाने लगे, जिसकी वजह से इनका नाम चेंज करके रख दिया गया पैंटलून रिटेल्स। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इनकी जो फ्रेंचाइजी पूरे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगह पे खुलने लगी और लोगों ने इसे बहुत ज्यादा पसंद किया। दोस्तों ये वो दौर था जब मॉल नहीं हुआ करते थे, तो उस टाइम किशोर बियानी ने कलकत्ता में 10,000 स्क्वायर फुट का एक पैंटलून स्टोर ओपन किया जो एक मॉडर्न शॉपिंग सेंटर था। यहाँ पे लोगों को एक ही जगह पे मेंस, वुमेन्स, किड्स के गार्मेंट मिलते थे, इसके अलावा एंटरटेनमेंट एंड ईटिंग का एक्सपीरियंस भी करवाया जो कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। दोस्तों देखते ही देखते इंडिया की जो मेट्रो सिटीज है, टायर 2 सिटीज है, वहां पे पैंटलून के बड़े बड़े रिटेल आउटलेट्स ओपन कर दिए गए। और दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट था किशोर बियानी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ, इससे उन्होंने बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। उसके बाद में दोस्तों उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसा स्टोर ओपन किया जाए जहां पे लोगों को किराना से लेकर होम अप्लायंसेस तक सारी चीजें मिल जाए। और दोस्तों किशोर बियानी इंडियन लोगों की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते थे, वो समझते थे कि लोगों को अगर कम प्राइस में अच्छी चीज दी जाए तो वो वहीं से लेना पसंद करेंगे। तो दोस्तों उसी के बाद में शुरुआत हुई बिग बाजार की।
जहां पे लोगों को एक ही छत के नीचे सारी चीजें मिल जाती थी, जिनकी प्राइस मार्केट से बहुत कम होती थी, क्योंकि दोस्तों बिग बाजार के अंदर अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता था। दोस्तों एक वक्त ऐसा आया कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में बिग बाजार के आउटलेट ओपन हो गए और लोग नॉर्मल दुकानों को छोड़कर बिग बाजार में जाना पसंद करते थे, क्योंकि वहां पे चीजें बहुत ही सस्ती मिला करती थी। तो दोस्तों यही वो टाइम था जब बिग बाजार और पेंटालून दोनों रिटेल मार्केट में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके थे, इसी वजह से किशोर बियानी को किंग ऑफ रिटेल कहा जाने लगा। तो दोस्तों पेंटालून और बिग बाजार की सफलता के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा और वो और भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने लगे, जैसे कि फिल्म मेकिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, मॉल, फर्नीचर और भी अलग अलग बिजनेस। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स को भी एक्वायर करना शुरू किया। दोस्तों 2007 तक उनका बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा था, तभी मार्केट में एंट्री होती है फ्लिपकार्ट की, जिससे लोगों को घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन सामान मिलने लगा। दोस्तों किशोर बियानी नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके रिटेल मार्केट में एंट्री करे, चाहे वो ऑफलाइन तरीके से हो या फिर ऑनलाइन तरीके से हो। तो उन्होंने भी अपनी एक वेबसाइट बनाई और उनकी वेबसाइट का नाम था futurebazaar.com। इस वेबसाइट का एकमात्र मकसद था कि लोग अपने घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग कर सके। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, 2007 के टाइम पे ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड था नहीं, तो इस पे सेल बहुत कम आते थे, तो उनको प्रॉफिट तो नहीं हुआ, पर एक साल में उनको 350 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, जिसके बाद में उन्होंने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया। पर दोस्तों एक्चुअल में उनका डाउनफॉल शुरू हुआ वो हुआ 2008 के ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन के कारण। उस वक्त उन्होंने जो भी कर्जा लेकर अलग अलग बिजनेसेस में या फिर अलग अलग ब्रांड्स में पैसे इन्वेस्ट किए थे, उस कर्जे को चुका नहीं पा रहे थे और लगातार वो कर्जा बढ़ते गया। उसके बाद में दोस्तों उनको अपनी कंपनी का डीमर्जर करना पड़ा, मतलब दोस्तों उनके जितने भी ब्रांड्स थे उन सबको चार ब्रांड्स के अंदर मिलाना पड़ा, और वो चारों ब्रांड्स थे पेंटालून्स, बिग बाजार, फूड बाजार और सेंट्रल। दोस्तों 2012 आते आते फ्यूचर ग्रुप के ऊपर 8000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा हो चुका था, जिसके कारण उनको अपनी सबसे सक्सेसफुल कंपनी पेंटालून्स आदित्य बिरला ग्रुप को 1600 करोड़ रुपए में बेचनी पड़ी। दोस्तों 1600 करोड़ रुपए से उनका कर्जा तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन उन्होंने इस चीज से कोई सबक नहीं लिया, क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं या किसी बिजनेस को एक्वायर करते हैं, तो हमारा जो प्रीवियस बिजनेस है उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है उस प्रॉफिट को हम नए बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन किशोर बियानी क्या कर रहे थे, ये अलग अलग जहां से कर्जा ले रहे थे, नए नए बिजनेस को शुरू कर रहे थे, नए नए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था और इनका कर्जा बढ़ते जा रहा था। फिर दोस्तों 2013 में ऑनलाइन बिजनेस का बहुत ज्यादा ट्रेंड आने लगा। उस टाइम मार्केट के अंदर काफी सारे प्लेयर्स भी आ गए, जैसे स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट। तो इन्होंने सोचा फिर से एक बार ऑनलाइन बिजनेस को ट्राई करना चाहिए। फिर इन्होंने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम रखा बिग बाजार डायरेक्ट। इसके अंदर इन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट लाया कि कोई भी इनकी फ्रेंचाइजी ले सकता है और अपने आसपास में फ्रेंचाइजी लेने के बाद में डायरेक्टली बिग बाजार से इन्वेंट्री खरीद सकता है और अपने आसपास के लोगों को बेच के अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। लेकिन लोगों ने इस चीज में भी इंटरेस्ट दिखाया नहीं और यहाँ पे भी उनको अच्छा खासा लॉस उठाना पड़ा। उसके बाद में किशोर बियानी ने सोचा कि ऑनलाइन बिजनेस में ज्यादा स्कोप है नहीं, उनको अपने ऑफलाइन बिजनेस में ही फोकस करना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने साउथ में अपने बिजनेस को फैलाना शुरू किया। दोस्तों 2014 में उन्होंने नीलगिरीज ग्रोसरी चेन नाम की एक कंपनी को खरीदा, जिसके उन्होंने 300 करोड़ रुपए दिए। उसके बाद में 2016 में उन्होंने इजी डे क्लब और हेरिटेज फ्रेश नाम की कंपनी को खरीदा, और उसके बाद में उन्होंने 2017 में 650 करोड़ रुपए देके हाइपर सिटी को खरीदा, और उसके बाद में दोस्तों 2018 के अंदर ईजोन नाम की एक साउथ की फेमस इलेक्ट्रॉनिक चेन को खरीदा। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जितने भी बिजनेस को एक्वायर किया गया या फिर खरीदा गया, तो उनमें जो पैसा दिया गया था उसमें से एक रुपया भी किशोर बियानी के प्रॉफिट का पैसा नहीं था, वो सारा का सारा उन्होंने मार्केट से कर्जा लिया था और कर्जा लेकर उन्होंने खरीदा था, क्योंकि उनको लगता था कि फ्यूचर में ये सारी कंपनीज उनको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट करके देगी। लेकिन दोस्तों वो ये नहीं समझ रहे थे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, क्योंकि 2016 में जियो आ चुका था और जियो आने के बाद में इंटरनेट का रेवोल्यूशन आया और लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे। लेकिन किशोर बियानी को लगता था कि ऑनलाइन में उतना ज्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि दो बार वो ऑनलाइन में लॉस उठा चुके थे, तो उनको लगता था कि ऑफलाइन को ही फोकस करना चाहिए, जिसकी वजह से वो कर्जा ले लेकर अपने बिजनेस को बढ़ाते जा रहे थे और वे बिजनेस को एक्वायर करते जा रहे थे। और ऐसा करते करते 2019 आ गया और उनके ऊपर 12,778 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। और दोस्तों उसके बाद में आया पेंडेमिक, जिसने और भी सिचुएशन खराब कर दी। मार्च 2020 से लेकर अप्रैल 2020 तक फ्यूचर ग्रुप का जो शेयर का प्राइस था 80% तक गिर गया। और दोस्तों किशोर बियानी के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा हो चुका था कि अपने कर्जे को चुकाने के लिए उनको अपनी सबसे सक्सेसफुल कंपनी बिग बाजार को बेचने का फैसला लेना पड़ा। फिर दोस्तों अगस्त 2020 में फ्यूचर ग्रुप ने अपने लॉजिस्टिक, रिटेल और वेयरहाउसिंग से रिलेटेड जो भी बिजनेस थे वो सारे के सारे 24,713 करोड़ रुपए में रिलायंस रिटेल को बेच दिए। पूरे ऑल ओवर इंडिया में फ्यूचर ग्रुप के 1800 से भी ज्यादा रिटेल स्टोर्स थे, उन सब पे रिलायंस रिटेल का कब्जा हो गया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, फ्यूचर ग्रुप की जो बैकबोन थी, मतलब पहचान थी, बिग बाजार,
एबीबी, सेंट्रल, ये सारे के सारे रिलायंस रिटेल की झोली में जा गिरे और फ्यूचर ग्रुप कंगाल हो गया। तो दोस्तों ये कहानी थी फ्यूचर ग्रुप की बर्बादी की। इसके अलावा एक और मामला था जिसकी वजह से फ्यूचर ग्रुप बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था। दोस्तों हुआ कुछ यूं था, रिलायंस को अपनी कंपनी बेचने से पहले 2019 में फ्यूचर ग्रुप ने अमेजोन के साथ एक डील की थी और फ्यूचर कूपन्स के 49% शेयर अमेजोन को बेच दिए थे, जिसके लिए अमेजोन ने इनको 1500 करोड़ रुपए दिए थे। और उस डील में ये भी था कि फ्यूचर ग्रुप अपने शेयर्स किसी को भी बेचेगा तो उससे पहले उसे अमेजोन को बताना पड़ेगा। इसके अलावा अमेजोन के कॉम्पिटिटर्स को वो अपने शेयर्स नहीं बेच सकता। लेकिन दोस्तों फ्यूचर ग्रुप ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने रिलायंस को अपनी कंपनी बेच दी, जिसकी वजह से अमेजोन को बहुत बुरा लगा, उन्होंने केस कर दिया। दोस्तों इसका जवाब देते हुए फ्यूचर ग्रुप ने कहा कि जो डील हुई थी वो फ्यूचर कूपन्स के साथ हुई थी, ना कि फ्यूचर ग्रुप के साथ। सो उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया रिलायंस को अपनी कंपनी बेचकर। दोस्तों इस मामले पे अभी तक कोई सॉल्यूशन तो नहीं निकला है, लेकिन दोस्तों इस कहानी से हम तीन चीजें सीख सकते हैं। सबसे पहली, जब भी आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हो या नए बिजनेस को एक्वायर करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आप दूसरे बिजनेस में भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और दोस्तों अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, आप मार्केट से कर्जा लेकर नए नए बिजनेस को एक्वायर कर रहे हो, तो आपकी हालत भी वैसी होगी जैसे किशोर बियानी की हुई। दूसरी, दोस्तों मार्केट के ट्रेंड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे किशोर बियानी ने मार्केट के ट्रेंड को नहीं समझा, उनको ये नहीं समझ में आया कि ऑनलाइन बिजनेस में ज्यादा पोटेंशियल है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन बिजनेस, जिसकी वजह से उनके साथ गलती हो गई। तो दोस्तों आपको हमेशा मार्केट के ट्रेंड को समझना चाहिए, उसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। तीसरी, आपका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कस्टमर के माइंड में क्या चल रहा है, कस्टमर क्या चीजों को पसंद करता है, किन चीजों को पसंद नहीं करता है, ताकि आप उसके हिसाब से अपना बिजनेस में डिसीजन ले पाए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी मैं ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ।